भारत माता की जय, जय सियाराम। उड़ीसा राज्य में गौ हत्याएं किस प्रकार से होती है आज मैं बताना चाहूंगा। कुर्दा, बालेश्वर, भद्रक, यहां तीन जिले हैं। तीन जिलों से पश्चिम बंगाल गौ तस्करी होती है और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश हमारी गौ माताओं को काटने के लिए ले जाया जाता है। यानी उड़ीसा राज्य गौ माताओं का हत्यारा राज बन चुका है। उड़ीसा राज्य एक अपवित्र राज बनते जा रहा है गौ माताओं का खून उस धरती पर गिरने से। तो मैं हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री से यहां पूछना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गौ गाय हो, बछड़ा हो, बैल हो, नहीं काटना चाहिए, तो तुम्हारे उड़ीसा राज्य में इनलीगल रूप से गायों की तस्करी कैसे हो रही है? इनलीगल रूप से बंगाल कैसा जा रही है? इनलीगल रूप से स्लैटर हाउस उड़ीसा में कैसे चल रहे हैं? मैं आज मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या तुम हिंदू नहीं हो? क्या तुम्हें हिंदुओं ने क्या वोट नहीं दिया है? मैं हमारे मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, जिन कांग्रेसियों ने गौ भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी उनका इतिहास खत्म हो चुका है। कर्पात्री जी महाराज का एक बार इतिहास उठाकर देख लेना, इंदिरा गांधी खत्म हो गई, कांग्रेसियों का नामोनिशान खत्म हो रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर आप भी गौ हत्या में अगर सम्मिलित होंगे तो आपका भी इतिहास खत्म हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है उसको आप उड़ीसा राज्य में इम्प्लीमेंट करो और जो गौ रक्षा करते हैं उनका मान सम्मान करो, ना कि उनके ऊपर FIR करो। गौ हत्यारों के सपोर्ट में आप गौ रक्षकों के ऊपर FIR कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर केस लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप ध्यान रखिए, उड़ीसा राज्य भी भारत में आता है और सुप्रीम कोर्ट का कानून पूरे भारत में इम्प्लीमेंट होता है। तो आपसे निवेदन है, उड़ीसा का वातावरण खराब होने ना दे और जो गौ रक्षा करता है उनका मान सम्मान करे और जो गौ हत्या करता है उनके ऊपर एक्शन ले।